हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए तीन स्टॉक लेके आया हूँ जो मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। तो आज अपना सैटरडे का दिन है, एनालिसिस डेट है 20 मई 2023, यानी कि अपने हर सैटरडे को वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास होते हैं, वहां से रिवर्सल आने के चांसेस 80% होती है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं। तो अगर आप कोई स्टॉक लेना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में तो ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगा। तो गाइज, आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ स्टॉक का नाम और लेवल्स नहीं देता, उसके अलावा आपको सिखाता भी रहता हूँ कि कैसे उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि बाय क्यों करना है और स्टॉप लॉस नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो वीडियो पूरा देखोगे, जितना वीडियो ज्यादा देखोगे मेरे, तो आप चार्ट एनालिसिस अपना खुद से भी कर सकते हो। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो गाइज, और उसके अलावा अगर अपने मैग्डी का एक स्ट्रेटेजी मैंने कल फ्राइडे को डाला था, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक होते हैं, यानी कि 4-5 दिन में स्टॉक अच्छा रैली दिखाते हैं। उसमें अगर कोई स्टॉक डाउन साइड आता है थोड़ा सा 2-4%, तो वहां पे आप बाय कर सकते हो। तो जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं या तो जिसके पास टाइम नहीं होता, मतलब तो सबके लिए स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। तो आपको ये स्ट्रेटेजी मैग्डी के बारे में आराम से, जब भी आपको सैटरडे संडे टाइम मिले तो आराम से देखना है, लेकिन पूरा देखना है क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे रूल्स भी समझाए और उसके पीछे का लॉजिक भी समझाया। तो वीडियो ये भी पूरा ही देखना है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा जो पहली बार चैनल पर है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको हर तरह के यहाँ पे ट्रेड मिलते रहेंगे। तो अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको तीन स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले 3 से 6 महीने में अच्छी रैली दिखा सकते हैं। उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो आप गाइस ध्यान से देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ स्टॉक का नाम देख के चले जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, क्यों लगाना है। तो यहाँ पे देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट, बाय करने का रीजन कौन सा है, तो इसका सेम टू सेम मैं एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा जो आज से मैंने 20 दिन पहले दिया था। और वो स्टॉक और ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम जेरोक्स कॉपी यानी कि कार्बन कॉपी जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये पैटर्न जितना रेगुलर देखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये पैटर्न के बाद स्टॉक ऐसा परफॉर्मेंस देता है। तो वीकली चार्ट के ऊपर बिरला सॉफ्ट नाम है, तो बाय करने का रीजन देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, यानी कि आप इसको बोल सकते हो सप्लाई जोन बोल सकते हो। जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल मिलती है वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है देखोगे तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो सप्लाई जोन होता है वो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपको पता ही है। ये टेक्निकल एनालिसिस में रूल्स है कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल मिली तो उसके बाद ये पूरा डिमांड जोन हो जाएगा, लेकिन स्टॉक ऊपर जाता ही गया, उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट आई, लेकिन देखो कहाँ पे उसने पॉज मारा, उसके डिमांड जोन में, जो पहले सप्लाई जोन हुआ करता था वहां पे ही पॉज मारा और यहाँ पे बेस बनाया। देखो एक बार नीचे आया, फिर से दूसरी बार नीचे आया, तीसरी बार नीचे आया और फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। तो आप इसको बोल सकते हो कि डिमांड जोन बोल सकते हो। डिमांड जोन के साथ साथ अगर आप 200 सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे उसका 200 सिंपल मूविंग एवरेज का भी देखो डिमांड जोन के अंदर से क्रॉस हो रही है, यानी कि क्या हो सकता है, अगर स्टॉक समझो यहाँ से नीचे गिरता है तो उसको डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ साथ 200 सिंपल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद गिरेगा तब इसके नीचे क्लोज देगा तभी आपको एग्जिट करना है। तो आपको मल्टीपल बहुत सारे रीजन है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। और यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से देखोगे डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा था, रिजेक्शन आ रहा था और फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जो ट्राइंगल जैसा बना था उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे अच्छे से हुआ हुआ यहाँ पे। तो आपको अभी करना क्या है, तो आराम से स्टॉक यहाँ पे अभी 334.65 चल रहा है, तो आपको करना क्या है, ये स्टॉक को हर गिरावट में अगर मिलता है, समझो कि ये स्टॉक 334 वाला कल 320 हो जाता है, 310 हो जाता है, तो हर गिरावट में आप एसआईपी मोड में बाय भी कर सकते हो। आपको ये तो पता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस बैक आएगा। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो 334 में, तो आने वाले 3 से 12 महीने में स्टॉक 580 का लेवल, यानी कि ये जो रेंज दिख रही है आपको प्रीवियस में जो हाई मारा था वहां तक स्टॉक जा सकता है। 3 से 12 महीने में स्टॉक ये टारगेट अचीव कर सकता है और 250 के नीचे अगर वीकली क्लोज देता है तो आपको एग्जिट करना है। देखो गाइज, मार्केट में ऐसा नहीं होता कि मैं जो बोला है 100% स्टॉक ऊपर ही जाएगा, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलना है। तो खोने के लिए बहुत कम है, आने के लिए बहुत ज्यादा। अगर ऐसा आप
10 बार भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आप मार्केट से पैसे कमाओगे। समझो कि 10 में से 5 बार आपका गलत गए ट्रेड तो भी आपको 20-25% का लॉस आएगा, लेकिन अगर 5 जो सही चले गए उसमें 50-60-70-80% का प्रॉफिट ओवरऑल आएगा तो भी आप मार्केट से पैसे कमा सकते हो। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2 का हो, वही ट्रेड आपको लेना है। तो यहाँ पे बिरला स्वाप को आपको एनालिसिस डेट अपनी थी 20 मई 2023, वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया और उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे स्टॉक गिर क्यों नहीं सकता। तो ये अपना हो गया पहला स्टॉक बिरला स्वाप जो आपको बाय करना है। और अभी गाइस मैं आपको सेम टू सेम कार्बन कॉपी इसका दिखाऊंगा, आप यहाँ पे पैटर्न को पूरा देख लो, अगर स्क्रीनशॉट पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सेम टू सेम एक स्टॉक अपने 20 दिन पहले यानी कि करीब 29 अप्रैल को दिया था। तो यहाँ पे देखो मैंने ज्यादा इसको पैटर्न को ड्रॉ नहीं किया, लेकिन स्टॉक का नाम कौन सा था, मास्टेक था। अगर आप देखोगे मैं आपको ट्विटर पे भी बताऊंगा, वीकली चार्ट था, सेम पैटर्न है देखोगे तो स्टॉक ऊपर। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए है, अगर किसी ने बाय नहीं किया तो भी अभी बाय कर सकते हो, लेकिन अपने ऑलरेडी इसको बाय रेकमेंड किया था 1720 के आसपास, अभी स्टॉक चल रहा है 1890 के आसपास। तो यहाँ पे देखो स्टॉक ऊपर गया था, नीचे आया था, ब्रेकआउट देके ऊपर गया था, ये पूरा डिमांड जोन बना। और देखोगे तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी उसके अंदर से क्लोज दे रही थी, और ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी था, और ये जो वॉल्यूम के साथ ये जो कैंडल ब्रेकआउट था उसके बाद ये रेड कैंडल बनी थी, वहां पे अपने बाय बोला था। उसके बाद देखोगे तो स्टॉक ने अच्छी रैली ऊपर की साइड अभी चालू कर दी है स्टार्ट। तो ये होता है सेम टू सेम कार्बन कॉपी। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे पैटर्न के बाद कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। तो इसका मैंने आपको एक देखो ट्विटर अगर फॉलो नहीं करते तो कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। अपने कब दिया था, पोस्ट किया था 29 अप्रैल को ही पोस्ट किया था, मास्टेक आपको 1720 के आसपास था, तो वहां पे बाय करना था, 1390 का स्टॉप लॉस वीकली क्लोज था। तो सेम पैटर्न था देखो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये जस्ट फॉर मैंने एग्जाम्पल बताया कि ये पैटर्न के बाद स्टॉक ऐसा परफॉर्मेंस देता है। अभी अपने दूसरा स्टॉक देखेंगे जो आप मंडे से बाय कर सकते हो, स्टॉक का नाम रहेगा लिंकन फार्मा। लिंकन फार्मा को बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो वीकली चार्ट के ऊपर स्टॉक का नाम है लिंकन फार्मा, बाय करने का रीजन कौन सा है, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। ब्रेकआउट विद वॉल्यूम यानी कि स्टॉक देखोगे ऊपर गया था, नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया, नीचे आया, यानी कि ये एक क्या हो गया, पूरा सप्लाई जोन हो गया। उसके बाद देखोगे तो स्टॉक ने अच्छे से वॉल्यूम के साथ बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की साइड क्लोज दिया है। तो ये अपना कंफर्मेशन हो गया कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, और नीचे देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। तो अभी स्टॉक का अपने को जब भी आप बाय करो तो पहले स्टॉप लॉस लेवल ढूंढना है कि कहाँ पे लास्ट स्विंग लिया है, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे पॉज मारा, नीचे आया और फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया। तो ये आपका क्या हो सकता है, ये जो एरिया है ये आपका स्टॉप लॉस एरिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट काम कर रहा है। देखो स्टॉक ऊपर गया था, नीचे आया, ब्रेकआउट देख के साथ ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट करने नीचे आया और फिर से ऊपर गया, यानी कि आप इसको रिटेस्ट कैंडल भी बोल सकते हो। तो ये आपका फाइनली स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अगर स्टॉक 441 वाला स्टॉक नीचे भी आता है, समझो 400 आता है, 390 भी आता है, तो भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि आपका इसके नीचे वीकली क्लोज देगा तभी आपको एग्जिट करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली ऊपर की साइड दिखा सकता है, अभी सीएमपी 441 के आसपास है, तो 375 के वीकली क्लोज यानी कि इसके नीचे वीकली क्लोज देगा तभी आपको एग्जिट करना है, और अगर आ गया तो आपको एग्जिट करना है, फिर वेट नहीं करना, क्योंकि उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, स्टॉक में गिरावट बढ़ सकती है। तो टारगेट 660 का है, 6 महीने के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो 660 का टारगेट है, अगर उसके बाद भी स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो तो लंबा टारगेट भी इसमें आ सकता है। तो लिंकन फार्मा आपको मंडे से ही बाय करना है, 441.25 प्राइस है, और गिरावट पे आप इसको ऐड कर सकते हो, 375 का स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है। जब भी आप बाय करो तो स्टॉप लॉस लेवल आपको लिख के ही रखना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो आप स्टॉप लॉस लेवल भूल जाओगे, इसीलिए आपको इस स्टॉक को जब भी बाय करो तो आपको स्टॉप लॉस लेवल और टारगेट लिख के रखना है। तो अपना दूसरा स्टॉक हो गया लिंकन फार्मा, जो आप बाय कर सकते हो, ब्रेकआउट के साथ अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया हुआ है। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है डीएलएफ। डीएलएफ को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम रहेगा डीएलएफ, बाय का एनालिसिस डेट है 20 मई 2023, वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट डाउन है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट क्या होता है, कोई भी डाउन ट्रेंड है अप ट्रेंड होता है, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से देखो स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यह बार बार क्या कर रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ पे भी रिजेक्शन, यहाँ पे भी रिजेक्शन, और यहाँ पे देखोगे तो उसने क्या किया, एक कैंडल देखो जो उसका डाउन ट्रेंड लाइन आ रही थी उसके ऊपर अच्छे से क्लोज दिया है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक लिए थे तब भी, और उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, रिटेस्ट कैंडल।
रिटेस्ट के अंदर कहाँ पे रिटेस्ट किया, उसका डाउन ट्रेंड लाइन आ रही थी। सिंपल सा रूल से जब भी कोई ब्रेकआउट हो जाता है तो उसका जो ट्रेंड लाइन होती है या तो सप्लाई जोन होता है वो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये लाइन ऐसे जा रही थी, तो उसने क्या किया, इसको अभी जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो इसको आपने क्या किया, पहले उसका ये सप्लाई जोन होता है, अभी यहाँ पे डिमांड जोन बना लिया, रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर भी स्टॉक गया हुआ है, यानी कि आपका कंफर्मेशन मिल गया है, अभी स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है, और रिटेस्ट कैंडल का लो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस लेवल हो जाएगा। तो अभी स्टॉप लॉस लेवल कितना आ रहा है, 400 वीकली क्लोज के नीचे। अभी सीएमपी कितना चल रहा है, 471 के आसपास चल रहा है, तो इस स्टॉक को आपको 471 के आसपास बाय कर सकते हो, और हर गिरावट में इसको ऐड कर सकते हो, जैसे कि 450 आता है तो बाय करो, 430 पे भी सेम क्वांटिटी में मैं बता रहा हूँ, 430 पे भी बाय कर सकते हो, 410 पे भी बाय कर सकते हो। तो एवरेज प्राइस आपकी कौन सी हो जाएगी, 440 की हो जाएगी, और 400 के नीचे वीकली क्लोज देगा तो आपको एग्जिट करना है, यानी कि 10% नॉन 10% का आपका रिस्क रहेगा। टारगेट यहाँ से डबल हो सकता है, 900 का टारगेट 3 से 12 महीने में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस स्टॉक में बहुत अच्छी रैली ऊपर की साइड आ सकती है। तो आपको वेट एंड वॉच नहीं करना है, आपको सीधा मंडे को जाके इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो ये अपना तीसरा और आखिरी स्टॉक था जो आप बाय कर सकते हो मंडे से, लेकिन हर गिरावट पे बाय करोगे तो आपका एवरेज प्राइस भी नीचे आएगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन में यही रखना है कि जब भी वो जो लेवल दिया है स्टॉप लॉस लेवल उसके नीचे क्लोज देता है तो स्टॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है और स्टॉक में गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए जितना हो सके आपको पोर्टफोलियो में से लॉस देने वाले स्टॉक को काटना है और प्रॉफिट देने वाले स्टॉक को राइड करना है। तो ये सिंपल सी एनालिसिस है गाइज। तो गाइज अगर आपको एनालिसिस समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मोटिवेट भी कर सकते हो। तो अपना पहला स्टॉक है बिरला सॉप, जो आपको बाय करना है, मैंने आपको कार्बन कॉपी सेम उसका मास्टेक का दिखा दिया कि सेम टू सेम ऐसी पैटर्न बनी थी, तो उसके बाद स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया था। दूसरा स्टॉक है लिंकन फार्मा, जो आप बाय कर सकते हो। तीसरा स्टॉक है डीएलएफ, जो आप बाय कर सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और गाइज हो सके उतना कमेंट कर वीडियो मतलब कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हो। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन करके रख सकते हो, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं स्विंग ट्रेड के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।